गुड मॉर्निंग गाइस, माय नेम इज़ पूजा पटेल। माय टॉपिक नेम इज़ पैथोलॉजिकल एमनोरिया। मैं श्री रावतपुरा सरकार नर्सिंग कॉलेज महाराजपुर मंडला से हूँ। जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर क्या होता है, ओके, तो हम अब आगे देखेंगे कि पैथोलॉजिकल एमनोरिया क्या होता है, ओके। तो हम फर्स्ट में देखेंगे क्रिप्टो एमनोरिया की, क्रिप्टो एमनोरिया क्या होता है। इस प्रकार के एमनोरिया के दौरान महिला में मासिक रूप से एंडोमेट्रियम की सेडिंग होती है तथा ब्लीडिंग भी होती है, परंतु जनन नाल के मार्ग में बाधा होने के कारण यह रक्त जनन नाल से बाहर नहीं आ पाता है। क्रिप्टो एमनोरिया मतलब कि जो हमारी एंडोमेट्रियम की जो लेयर रहती है वह क्या हो जाती है, टूट जाती है, तथा उससे जो ब्लड रहता है वह ब्लड भी आता है, लेकिन वेजाइनल मार्ग में कुछ ऐसी प्रॉब्लम होने के कारण जो ब्लड रहता है वह बाहर नहीं आ पाता है, तो उस कंडीशन को हम क्रिप्टोमेनोरिया बोलते हैं, ओके। अब हम देखते हैं कि क्रिप्टोमेनोरिया किस किस कारण से हो सकता है। तो यह कंजेनाइटल अथवा एक्वायर्ड हो सकता है। हम सबसे पहले देखेंगे कंजेनाइटल क्रिप्टोमेनोरिया के कारण, मतलब कि बाय बर्थ के कारण कौन कौन सा हो सकता है। तो फर्स्ट हम देखेंगे ट्रांसवर वेजाइनल सेप्टम, सेकेंड इम्फोरेट हाइमेन, देन थर्ड वेजाइनल एट्रेसिया। तो हम फर्स्ट देखेंगे ट्रांसवर वेजाइनल सेप्टम कि ट्रांसवर वेजाइनल सेप्टम क्या हो। तो सेप्टम जनरेट होता है वह वेजाइना को हॉरिजॉन्टली कर देता है। क्या कर देता है? हॉरिजॉन्टली कर देता है, तो उसे जनरली तो जनरली उसमें वन होल क्रिएट होता है जो वेजाइना से निकालने वाला मेंस्ट्रुअल ब्लड को निकालने की रास्ता देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर वेजाइनल सेप्टम। हम फिर सेकंड देखेंगे इम्फोरेट हाइमिन की, इम्फोरेट हाइमिन क्या होता है। जो इम्फोरेट हाइमिन वह होता है, एक बहुत थिन सी मेम्ब्रेन होती है जो वेजाइना के आधे से कुछ हिस्से को कवर करके रखती है, और इम्फोरेट हाइमिन जब होता है मतलब यह आधा से ज़्यादा नहीं बल्कि पूरा का पूरा एरिया को कवर करके रखता है, ओके। जैसे कि हम देखा जाए कि जब वेजाइनल, जो हमारी वेजाइनल ओपनिंग रहती है वह क्या रहती है, ब्लॉक रहती है, तो हमको तो पता नहीं चलता है शुरू से कि हम जो रहता है वो मतलब ओपनिंग रहती है। तो जब ये जो कंडीशन होती है एट द बाय बर्थ होती है, जब बेबी का बर्थ होता है तो हमें उस टाइम में तो पता नहीं चलता है, बट आप सभी लोग को पता है कि जो हमारी प्यूबर्टी रहती है वो किस एज में आती है। तो हमारी जो प्यूबर्टी रहती है वो 13 to 15 ईयर्स की एज में आ जाती है। यदि 13 to 15 ईयर की एज में आपको सभी को पता है कि मेंसेस आना स्टार्ट हो जाते हैं, ओके, मेंसेस आना स्टार्ट हो जाते हैं, बट यदि 13 to 15 ईयर की एज में किसी के मेंसेस स्टार्ट नहीं होते हैं, जैसे 16 या 17 ईयर्स की एज में मेंसेस स्टार्ट नहीं होते हैं, तो उस कंडीशन में हमको पता चलता है जब हम गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास जब हम अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं तो उस टाइम में हमको पता चलता है कि हमको इम्फोरेट हाइमिन है। तो उस कंडीशन में हमको जो डॉक्टर्स रहते हैं वो छोटा सा सर्जिकल ऑपरेशन करते हैं ताकि जो उसके जो मेंसेस रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं और वो नॉर्मल आने लगते हैं, ओके। देन है वेजाइनल एट्रेसिया। जो वेजाइनल एट्रेसिया होता है ये भी क्या होता है, कंजेनाइटल होता है। इसमें जो वेजाइना रहता है वो एबनॉर्मली और बंद रहता है, ओके, और यह भी आपको पता है कि एट द बाय बर्थ होता है। और जो सर्विक्स रहता है वहाँ जो ओपनिंग वाला पार्ट रहता है वहाँ पे क्या हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है। देन एरिया जो रहता है वो नैरिंग हो जाता है, तो वहाँ का जो रास्ता रहता है वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, और इसमें जो ओवेरियन जो फॉलिकल्स होता है उसका फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, जिससे वेजाइनल एट्रेसिया होने के कारण होता है, का कारण मतलब बन सकता है। देन एक्वायर्ड क्रिप्टोमेनोरिया की, एक्वायर्ड क्रिप्टोमेनोरिया क्या कहलाता है कि यह किस कारण से हो सकता है।
सर्वाइकल स्टेनोसिस, सर्वाइकल एम्पुटेशन या डीप कैटराइजेशन के बाद सर्वाइकल स्टेनोसिस हो जाता है। जैसे कि आप जानते हो कि सर्वाइकल कि हमारी जो सर्वाइकल रहती है वह कहाँ प्रेजेंट रहती है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड में, फर्स्ट से लेके सेवन की जो फर्स्ट से लेके जो सेवन तक का जो चैम्बर होता है वह हमारा सर्वाइकल कहलाता है। ओके, जो सर्वाइकल में एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कि एक ऐसी कंडीशन होती है जो जिस एरिया में जो नर्व रहती हैं वो क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती हैं। तो उस कंडीशन में हमको या तो एम्पुटेशन करना पड़ता है या तो फिर डीप कैटराइजेशन करना पड़ता है। तो उस कंडीशन से भी सर्वाइकल स्टेनोसिस होने का कारण हो सकता है। ओके, देन डिफ़िकल्टी वेजाइनल डिलीवरी के बाद सेकेंडरी वेजाइनल एट्रेशिया का हो जाना। जैसे कि डिलीवरी के ड्यूरिंग टाइम ऑफ डिलीवरी यदि किसी को डिफ़िकल्टी होती है तो उस टाइम में भी सेकेंडरी वेजाइनल एट्रेशिया होने का कारण हो सकता है। ओके, देन इसका कौन कौन से ट्रीटमेंट है, तो फर्स्ट हम देखेंगे कि इसके क्या ट्रीटमेंट है। फर्स्ट है सर्विक्स का सिंपल डायलिटेशन कर एकत्रित ब्लड को बाहर निकाला जाता है। जो सर्विक्स रहता है उसको सिंपल डायलिटेशन कर उसको उसका सिंपल डायलिटेशन कर जो भी ब्लड रहता है उसको एकत्रित कर बाहर निकाला जाता है। देन सेकंड क्या, एम्फोरेथाइमिन में चीरा लगाकर ब्लड बाहर निकाला जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले कुछ देर पहले बताया था कि एम्फोरेथाइमिन क्या होता है करके, तो उसकी जो लेयर होती है उसमें थोड़ा सा चीरा लगाकर उसका जो ब्लड रहता है वह बाहर निकाला जाता है। ओके, तो उस कंडीशन में भी जो ब्लड रहता है वो उसको भी बाहर निकाला जाता है। देन थर्ड क्या है, वेजाइनल एट्रिशिया के दौरान रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी की जाती है, मतलब कि इसके दौरान फिर से पुनः सर्जरी की जा सकती है, मतलब की जाती है। ओके, देन बी नंबर है ट्रू एमनोरिया। कि ये ट्रू एमनोरिया क्या होता है, ट्रू एमनोरिया देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रू एमनोरिया। फर्स्ट है ट्रू प्राइमरी एमनोरिया, देन सेकेंड इज ट्रू सेकेंडरी एमनोरिया। तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रू प्राइमरी एमनोरिया क्या कहलाता है। तो सबसे पहले देखेंगे ट्रू एमनोरिया, प्राइमरी एमनोरिया सामान्यतः महिला में 13 to 15 ईयर्स की एज तक मासिक चक्र की शुरुआत मेनार्की हो जाती है। यदि किसी लड़की में 16 ईयर्स की एज होने पर भी मेंसुरल साइकिल की शुरुआत नहीं होती तो इस स्थिति को ट्रू प्राइमरी एमनोरिया बोलते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि 13 to 15 ईयर्स की एज में जो प्यूबर्टी रहती है हमारी आ जाती है, और मोस्टली तर जो गर्ल्स रहती हैं उनमें 13 to 15 ईयर्स की एज में मेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेनार्की। यदि बाय चांस किसी मतलब यदि इसी कैसी भी यदि ऐसी कोई कंडीशन जैसे कि 16 वर्ष की एज होने पर भी जो मेंसुरल साइकिल रहती है वह उसकी वह शुरुआत नहीं हो पाती है, तो इस स्थिति को क्या बोलते हैं हम, ट्रू प्राइमरी एमनोरिया। देन इसके कौन कौन से कारण हो सकते हैं ट्रू प्राइमरी पैथोलॉजिकल एमनोरिया की, इसके जो होता है वह निम्न कारणों से हो सकता है। तो फर्स्ट क्या है, जनन नाल में डेवलपमेंट डिफेक्ट्स मौजूद होना। जो हमारा वेजाइनल मार्ग है उसमें डेवलपमेंट डिफेक्ट मौजूद होना, जैसे कि वेजाइनल और सर्वाइकल एट्रेसिया हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वेजाइनल और सर्वाइकल एट्रेसिया क्या कहलाता है। देन एम्फोरेथाइमिन, जो एम्फोरेथाइमिन वही बताएगी कि किस मतलब जो मेम्ब्रेन रहती है वो पतली रहती है। देन थर्ड क्या है, वेजाइना का पूरी तरह अनुपस्थित होना। जो हमारी वेजाइनल रहती है वह पूरी तरह से मतलब जो वेजाइना का जो पार्ट रहता है वो पूरी तरह से अनकम्प्लीट रहता है, अनुपस्थित रहता है। देन गर्भाशय जो यूट्रस रहता है उसका भी पूरी तरह से अनुपस्थित हो रहता है। ओके, थैंक यू क्लास।